तो इसमें हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे इंटीजर्स की, कि क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं। गाइज, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। तो इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। सेंटर में हमारा जीरो, इधर हमारा निगेटिव, और इधर जब जाते हैं तो हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अगर इधर गए तो पॉजिटिव और इधर आए तो निगेटिव। अब जब जीरो से इधर बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। वैसे तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के इंटीजर्स निकल के आए। पहला हमारा निकल क्या गया, ज़ीरो इंटीजर्स। ज़ीरो इंटीजर, ज़ीरो से जब हम लेफ्ट की तरफ इधर बढ़ते हैं तो ये हमारा आ गया निगेटिव इंटीजर, और जब हम इधर जाते हैं तो इधर से इधर आते हैं तो ये हमारा कैसा आ गया, पॉजिटिव इंटीजर। गज, ये हमारे पास तीन तरह के इंटीजर्स निकल के आ गए, निगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या ये इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले गाइस नेगेटिव इंटीजर के एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर के एक एग्जांपल है 3, -3। गाइस हमारे पास -3 है, क्या ये -3 हमारा रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर का हमने डिफिनीशन क्या लिखा था, कि कोई भी हमारा नंबर हो जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये हमारा डेफिनेशन फुलफिल होता है तो रेशनल नंबर होगा। लेकिन जब हम -3 की बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, बट लेकिन हम लिख सकते हैं -3 को -3/1 लिखा जा सकता है। गाइज ये पॉइंट अब ध्यान में रखें, किसी भी इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में यदि कोई भी नंबर नहीं दिया है तो हम एक लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं एक, आपसे भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक ही को क्यों लिखा जा सकता है, एक के अतिरिक्त क्या अन्य किसी नंबर्स को लिखा जा सकता है? तो एक के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर को नहीं लिखा जा सकता है। गाइज क्यों नहीं लिखा जा सकता है, आइए मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखला देता हूँ। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ और आगे अभी इसको डिस्कस कर लिया जाएगा हम लोग। गाइज देखिए, जैसे हमारे पास एक नंबर 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए 4 है और ये 1 हो गया। अब इसको 1 से 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4, 4 टाइम में ये कट गया। हमारा नंबर था 4, डिवाइड होने के बाद क्या आया, 4। डिवाइड 1 से किए हैं इसलिए 1 से किया गया है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 1 रखा है। लेकिन गाइज देखिए, यही नंबर हमारा 4 है, यदि इसके डिनोमिनेटर में हम 2 लिख देते हैं तो अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, देखिए 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। हमारा नंबर क्या था, 4, 2 लिखने की वजह से डिवाइड करने पर नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। गाइज याद रखें, रिमेंबर दिस फैक्ट, कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में यदि कोई भी नंबर नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा -3 है, निगेटिव इंटीजर है, तो -3 के नीचे 1 लिख देते हैं तो ये हमारी पी की वैल्यू, ये हमारी क्यू की वैल्यू, और ये 0 नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है। उसी प्रकार से 0 है, 0 के नीचे 1 लिखा जा सकता है तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो 0 इंटीजर भी रेशनल नंबर, निगेटिव इंटीजर भी रेशनल नंबर, पॉजिटिव अगर मान लीजिए 2 है तो 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए भी ये हमारा रेशनल नंबर है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया गाइज, कंक्लूजन ये निकल कर आया कि ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं,
रेशनल नंबर होते हैं। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि सारे के सारे इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। गाइज अब हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या इंटीजर्स होते हैं कि क्या ये रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं।